डीवाई पाटिल हॉस्पिटल ने कोरोना मरीज को बनाया बंधक, बीजेपी नेताओं के बवाल के बाद हॉस्पिटल ने किया डिस्चार्ज। 7 तारीख से लेके आज 9 दिन तक वहीं पे ऐसे ही उनको जबरदस्ती बंधक जैसा बना के रखा हुआ था। कोविड 19 के नाम पे लूटमारी चल रही है, ये सब कौन कौन मिले हुए हैं इसमें, इसका पता लगाइए आप लोग। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये जो लूटपाट चल रही है इस सरकार में, अंधेर नगरी चौपट राजा इस पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके से चल रहा है। नवी मुंबई में कोरोना उपचार के नाम पर मरीजों के साथ चल रही लूट और मनमानी का बड़ा मामला नेरुल के डीवाई पाटिल हॉस्पिटल से सामने आया है। पीड़ित और परिजनों की माने तो उन्हें महानगर पालिका ने खुद उक्त हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन 7 अगस्त को डिस्चार्ज के दिन उनसे 85,000 का बिल भरने को कहा गया। जब वे नहीं चुका पाए तो उन्हें घर जाने से रोक दिया गया। पिछले 9 दिनों से हॉस्पिटल में बंधक बनकर बैठे रहे पीड़ित और उनके परिजनों ने इसे आमजनों के साथ बड़ी लूट और धांधली बताया। घर में 2 बेटियां और 1 बेटा है, कोई घर में कमाने वाला नहीं, वो बिजली का काम करते थे, इलेक्ट्रीशियन का। पिछले 5-6 महीने से काम बंद है घर में, वो उधार राशन पानी लाके खा पी रहे थे, वो ऐसा कैसा भी जीवन जी रहे हैं। 10-15 हज़ार महीने का कमाने वाले, उनके पास भरने को कुछ नहीं था। ऐसी परेशानी में जब उनको पैसा भरने को किया तो मंदाताई मात्रे के पास मिलने को, जो उनके रिश्तेदार लोग, हम लोग सब मिल के गए वहाँ, तो मंदाताई मात्रे के वहाँ से लेटर ला के दिया। इन लोगों ने कहा अभी देखेंगे, आपको योजना में लगाएंगे, ऐसा करते रहे, वहाँ से नहीं सुना। फिर महापौर के पास, जो अपने सुतार साहब हैं, उनके पास गए, वहाँ से लेटर ला के दिया, फ़ोन कराया तो भी यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहे, कोई सुने नहीं। संजीव नाइक साहब के पास फ़ोन किया, वहाँ से फ़ोन कराया, बात किया, उसके बाद भी कुछ इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। और पिछले 7 तारीख से लेके आज 9 दिन तक वहीं पे ऐसे ही उनको जबरदस्ती बंधक जैसा बना के रखा हुआ था। लोगों ने यहाँ महापौर का पत्र दिया है, उसके बाद आमदार हमारे मंदा मात्रे जी, उनका भी पत्र दिया गया था, उनका भी इन लोगों ने दाद नहीं दिया। आज से 8 दिन पहले मेरी उसकी बात हुई थी तो उन्होंने जवाब दिया था मुझे कि मेरे को यहाँ कुछ पैसा नहीं लग रहा है, 8 दिन में कल मेरे को छोड़ देंगे। उस बात का हम लोग को पता नहीं था, आज पता चल रहा है कि वो 8 दिन से उनको डिटेन करके रखा हुआ है कि 80,000 रुपया भरो तब हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए, सरकार ने इन लोगों को ऐसा क्या राइट दिया हुआ है कि ज़बरदस्ती किसी को लास्ट को छोड़ेंगे इस तरह से? किसके पास पैसा नहीं तो बोल देंगे हम छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। ये तो कोविड 19 के नाम पर लूटमारी चल रही है, ये सब कौन कौन मिले हुए हैं इसमें, इसका पता लगाइए आप लोग। ये तो गलत है ना, गलत बात है ना। जब ये ऐसा गलत बात होएगा तो किस तरह से विश्वास होएगा गवर्नमेंट को, आम आदमी को? एक आदमी को, आम आदमी को अगर ऐसा तकलीफ हो जाए तो कैसे चलेगा? तो बताते चले कि राज्य सरकार गरीबों और आमजनों के लिए फ्री कोरोना इलाज का दावा कर रही है, हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कि जनता को लूटने से बाज नहीं आ रहे। डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के अधिकारी इस बारे में सवाल पूछने पर बोलने तक को तैयार नहीं है। हालांकि भाजपा के जिला महामंत्री सतीश निकम ने कहा कि यह मनपा अधिकारियों और प्राइवेट अस्पतालों की खुली मनमानी है। फिलहाल पीड़ित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दिया गया है, लेकिन पाठक जैसे दर्जनों मरीज ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कोरोना उपचार के नाम पर अभी भी लूटा जा रहा है, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। भाजपा महामंत्री सतीश निकम ने कहा कि ऐसी मनमानी तुरंत रुकनी चाहिए। 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, कोविड से ठीक हो गए, लेकिन इस तरीके से अभी इनको रुका के रखना, ये बिल्कुल गलत चीज़ डीवाई पाटिल हॉस्पिटल की तरफ से हुई है। फिर प्रशासन और सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर अभी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता को इस तरीके से तकलीफ दे रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति की क्या परेशानी होगी, सामान्य व्यक्ति किसके पास जाए? निश्चित ही कहीं ना कहीं महानगर पालिका की मॉनिटरिंग का भी खामियां यहां पर ध्यान में आ रही है, क्योंकि अगर महानगर पालिका ने किसी पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया है तो उसका डे टू डे फीडबैक ये महानगर पालिका के नोडल ऑफिसर ने लेना चाहिए। वो पेशेंट की तबीयत कैसी है, उसको सही इलाज हो रहा है कि नहीं, सही दवाई दी जा रही कि नहीं, ये सारी बातें महानगर पालिका के यहाँ के नोडल ऑफिसर ने देखनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में ये नोडल ऑफिसर कहीं ना कहीं कम पड़ा हुआ है,
कहीं महानगर पालिका ने रेफर किया हुआ उसका पेपर उसके पास है, तो ये सारी चीज़ें यानी पेशेंट को तकलीफ देना और कहीं ना कहीं कहाँ से उसका पैसा निकालने की ये सारी नौबत आई है, तो महानगर पालिका अधिकारियों की निश्चित ही इसमें खामी रही है और उन्होंने इसमें जल्दी से जल्दी सुधार करे, इतना ही मैं उनसे आशा व्यक्त करता हूँ। उम्मीद की जा रही है कि इस घटना के बाद नई मुंबई महानगर पालिका प्रशासन प्राइवेट अस्पतालों में चल रहे कोरोना इलाज के नाम पर लूट को रोकने में मददगार बनेगा। मैं इधर आया, मेरे से पूछा गया कि मतलब डिपॉजिट भरने का है, तो मैंने बोला कि NMC से आया हूँ और मेरे पास योजना का कार्ड है, तो बोला ठीक है जाओ, मैंने एडमिट हो गया। जब 15 दिन के बाद डिस्चार्ज किया तो बिल बनाया 85,000 का, क्या घर वाले बता रहे थे, तो मैं बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी और 10 महीना से घर पे बैठा हूँ, नहीं भर सकता। 8 दिन तक आपको डिटेन करके रखा? ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी मजबूरी था तो मैं उधर बैठा था, तो अभी मतलब आज छोड़ा इन लोगों के प्रयास से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।